नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। आप सभी का बिजनेस सीट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी बिजनेस सीट में आप सभी के लिए बहुत कुछ है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सफर की। अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस वर्किंग कैपिटल के अभाव में बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर सच्ची लगन हो तो इसकी व्यवस्था भी की जा सकती है। आज स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के सामने एक बड़ी समस्या है वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल के अभाव से आज प्रति साल सैकड़ों SME बंद हो रही हैं, लेकिन अगर थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग और सूझबूझ का सहारा लिया जाए तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। हमारे पास स्टॉक होता है और हमारे पास में डेटर्स होता है। बैंक क्या करता है, स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, ये इसका जो 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 आया उसका बैंक लगभग 70% या 60% बैंक फंड कर देता है। स्टॉक के अगेंस्ट में बैंक 25% मार्जिन रखता है। इसका मतलब यदि 100 रुपये का यदि हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे पास में यदि माल रखा हुआ है, तो 100 रुपये का माल रखा हुआ तो बैंक उसके अगेंस्ट में हमको 70 रुपये फंड करता है। डेटर्स इसका मतलब जिससे हमको पैसे मिलने हैं, वो यदि हमारे पास में यदि 100 रुपये का है तो बैंक उसके अगेंस्ट में हमको 60 रुपये की फंडिंग करता है। तो इसका मतलब यदि हमारे पास में डेटर्स यदि 100 रुपये का है और यदि स्टॉक यदि हमारे पास में 100 रुपये का है, तो हमको लगभग 70 रुपये अपने पास से लगाने पड़ेंगे। 40 रुपये तो डेटर्स का मार्जिन हो गया और 30 रुपये हमारे पास में स्टॉक का मार्जिन हो गया। हमको 70 रुपये अपने पास से इन्वेस्ट करना पड़ा और 130 रुपये बैंक दिया। इसका मतलब यदि 200 रुपये की यदि हमारे पास में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो 130 रुपये बैंक देता है और 70 रुपये हमको अपने पास से लगाना पड़ता है। सर वही चीज़ यदि मैं बैंक को बोलूँ कि सर आप मेरे को LC दे दीजिए, LC के अगेंस्ट में बैंक सिर्फ 5% या 10% के मार्जिन में बैंक पैसा दे सकता है। SME के प्रमोटर्स इक्विपमेंट्स फाइनेंस की जगह इन्हें लीज पर लें तो उन्हें बहुत आसानी हो सकती है। आज सपोज कर लीजिए जैसे कोई इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो लोगों ने अपनी लीजिंग कंपनी अलग से चालू कर रखी है। सर जो इक्विपमेंट बनाती है, सपोज कर ले कोई यदि ना कॉन्ट्रैक्टर है, कोई जैसे JCB खरीदना है या कुछ किसी को यदि ना बुलडोजर खरीदना है या डंपर खरीदना है, सर या तो आप एक ऑप्शन होता है कि आप जाके JCB कंपनी में गए और उसे बुलडोजर खरीद के ले आए या JCB मशीन खरीद के ले आए। सर सेम मैन्युफैक्चरर की एक फाइनेंस कंपनी भी है, वो फाइनेंस कंपनी क्या करती है, अपनी पेरेंट कंपनी से वो इक्विपमेंट खरीदती है और आपको लीज में दे देती है। बिकॉज वो कंपनी तो उस इक्विपमेंट को अच्छे से समझती है ना सर, तो वो कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो आपको वो इक्विपमेंट लीज में दे देती है। और उसके अंदर भी दो ऑप्शन रहता है कि 5 साल तक यदि आप इसी तरह से लीज देते जाएंगे तो 5 साल बाद आप एक छोटा सा अमाउंट देके उसकी ओनरशिप भी आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। यदि आप 5 साल बाद आपको ये लगता है कि नहीं हमको ये मशीन नहीं खरीदनी है, तो वो मशीन आप एज इट इज़ बाई पेइंग द लीज चार्जेस ऑल्सो यू कैन रिफंड दैट मशीन ऑल्सो टू द कंपनी। स्टॉकिस्ट लोन के तहत भी वो अपनी वर्किंग कैपिटल की समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक सर चैनल फाइनेंसिंग स्कीम होती है। चैनल फाइनेंसिंग स्कीम क्या होती है कि बैंकर आपके क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए वो आपके जितने भी आपने जो स्टॉकिस्ट बनाए हैं सर उसको एक क्रेडिट लिमिट देता है। वो स्टॉकिस्ट सपोज कर लो आपने एक कंपनी यदि है उसने यदि 100 स्टॉकिस्ट बना रखे हैं तो हर एक स्टॉकिस्ट के क्रेडिट लिमिट सेट कर देता है। जब स्टॉकिस्ट आपसे माल खरीदता है तो स्टॉकिस्ट तो आपको 90 दिन में पेमेंट करता है एज पर दी एग्रीमेंट, लेकिन सिंस एक स्टॉकिस्ट की लिमिट आपकी सेट की हुई तो वो लिमिट के तहत आपको स्टॉकिस्ट इमीडिएटली पेमेंट कर देता है सर। तो सर आपकी बैलेंस शीट में भी वो आइटम माने बैलेंस शीट के अंदर में भी सर उतना अमाउंट ऑफ माने क्रेडिट नहीं आया, स्टॉकिस्ट के बैलेंस शीट में वो आया सर क्रेडिट। सर इट इज कॉल्ड एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। सर इनिशियली ये हो सकता है कि बैंक ये बोले कि मैं जो 100 स्टॉकिस्ट को जो लिमिट दे रहा हूँ इसकी कॉर्पोरेट गारंटी आप दे दीजिए कि कल को कोई स्टॉकिस्ट यदि मुझे पैसा नहीं देता है तो फिर आप उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं।
तो सर यू आर ओनली प्रोवाइडिंग ए कॉर्पोरेट गारंटी। बाई प्रोवाइडिंग ए कॉर्पोरेट गारंटी सर आपके 100 स्टॉकिस्ट की आपकी ना माने लिमिट आपकी सेट हो जाती है सर। इस तरह के कई प्रावधान हैं जिनके द्वारा एसएमई वर्किंग कैपिटल प्राप्त की जा सकती है। आज रियलिटी सेक्टर सीनियर सिटीजन होम्स पर काफी ध्यान दे रहा है और इसकी अच्छी मांग भी। We have now got a retirement community in Jaipur, जिसका phase one handing over चालू हो गया है। हम एक retirement community, बहुत ही interesting location, it's a hill station called Lavasa of Pune, उधर बना रहे हैं, which is a beautiful destination, very very good infrastructure being developed, very pollution free, beautiful view, it's a brand new city that is being developed, तो उसमें हम retirement community बना रहे हैं, which is again a fantastic location। और इसके अलावा हम लोगों का ये मानना है कि आज के दिन जितने भी बड़े शहर हैं वो कंजस्टेड होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो लाइफस्टाइल है फॉर द एल्डरली और अपॉर्चुनिटीज़ है वो अब रियली है नहीं, तो उनके सबर्ब्स में जो कि सिटी के पास भी हैं और उनको उस सिटी में अगर वो बहुत साल तक रहें तो उस सिटी से एक लगाव है या उनके उनके रिलेशंस, उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उस सिटी के पास आज के दिन हम बहुत स्कोप देखते हैं, दैट यू आर अवे फ्रॉम द सिटी एंड येट यू आर नॉट अवे। हमारा फ्लैट्स में एक तो क्या है, नॉन स्किड टाइल्स है पूरे फ्लैट में, और फिर फ्लैट्स में हर टॉयलेट में ग्रैब रेल्स है, जितने भी फिटिंग्स हैं टॉयलेट के वो आर्थराइटिस फ्रेंडली हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, बाथरूम में है, मास्टर बेडरूम में है, एंट्री पे है, गैस लीक डिटेक्टर्स बनाए हुए हैं, पूरा फ्लैट जो है वो व्हीलचेयर फ्रेंडली है, फ्लैट की बनावट ऐसे है जिसके अंदर मास्टर बेडरूम, लिविंग स्पेसेस आर लार्जर, बड़ी बैल्कनी है कि आउटडोर स्पेसेस भी आप आपके पास ज़्यादा वक्त है इन्जॉय करने के लिए, तो दीज आर द थिंग्स। स्टोरेज जो है वो हमने अब लॉफ्ट स्टोरेजेस आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन एज यू एज, तो हमारा जो स्टोरेज है वो वी हैव गिवन वॉक इन स्टोरेजेस, तो इस तरह की काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं जिससे जो एज के हिसाब से ज़रूरत। देखिए सर, एक्टिविटी सेंटर इज़ द हब ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ द प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर, दे मीट, और लोग से जुड़े हैं, लोग जगह से नहीं जुड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग आपस में
जो वो प्यार है वो जगह से नहीं होता है. तो दैट इज़ द प्लेस वेयर दे कम टुगेदर, दे प्ले कार्ड्स टुगेदर, दे प्ले, दे डू, दे इंजॉय वेरियस काइंड ऑफ हॉबीज टुगेदर, दे ईट टुगेदर. हमारा वहाँ पे हॉल है जहाँ पे वो वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं, कोई लेक्चर्स होता है, स्कूल के बच्चे आते हैं, ये उनको स्टोरीज सुनाते हैं. टीटी टेबल है, मेल रूम है वेयर दे कैन चेक देयर ईमेल्स, दे कैन टेक देयर कुरियर्स, गिव देयर कुरियर्स. सो दैट प्लेस इज़ वेयर देयर इज अ लिटिल शॉप ऑल्सो. सो दैट इज़ वेयर दे कम टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर, इन्जॉय टुगेदर. A service, a product which was required by the market, and market is rewarding us for the same. It